मुझे थप्पड़ से नहीं धमकी से डर लगता है। खानुख खान, सलमान खान। दोस्तों पिछले दिनों ट्रेन से मैं मद्रास जा रहा था, मद्रास जिसका नाम अब हो गया है चेन्नई। तो ट्रेन में मिल गए एक मारवाड़ी। हमने कहा आप चेन्नई में रहते हैं? चेन्नई में मारवाड़ी हैं? बोले भाया जठे न पहुंचे रेलगाड़ी, बठे पहुंचे मारवाड़ी। हमने ये बात तो सही है, आप लोग हर जगह हैं और जहां जाते हैं छा जाते हैं बिजनेस स्किल्स की वजह से। गपशप होने लगी, बातें होने लगी। हमने कहा अच्छा नाम तो था मद्रास, इसका नाम चेन्नई क्यों हो गया? बोले भाया बटे सब मद्रासी लुंगी पहने, लुंगी पहने चेन नहीं। आपने कहा हाँ लुंगी में चेन नहीं, तो उसका नाम हो गया चेन्नई। वेरी गुड। हमने कहा अच्छा ये बताइए क्या आप क्या करते हैं, बिजनेस क्या है? तो बोले भाई जी मैं सीए हूं। हमने कहा अच्छा टेलर हैं, कपड़ा सीते हैं? ना ना सीए हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने कहा अच्छा। हमने कहा भाई साहब ये बताइए कि इंडिया की इकोनॉमी कब इंप्रूव होगी? भाई जी 2-3 क्वार्टर लगेंगे। हमने कहा क्वार्टर क्या, आप पूरी बोतल ले लो मगर ये बताओ तो सही। बोले ना ना आप नहीं समझे, ये जो है अकाउंट की भाषा है। हमने कहा जी जी जी, हमने अकेले जा रहे हैं चेन्नई? ना ना लुगाई है, सागे घरवाड़ी है। हमने पत्नी है? अच्छा अच्छा। हमने कहा भाभी जी दिख नहीं रही? ना ना मैं 3 नंबर बर्थ पे हूं और हमारी जो घराड़ी है वो 50 नंबर बर्थ पे है। हमने कहा पति पत्नी अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं, इतनी दूर दूर बर्थ मिली है। अरे टीटी को समझा लेते, पटा लेते, कुछ ले दे के कुछ दे देते तो दोनों बर्थ अगल बगल हो जाती, साथ में बर्थ हो जाती। ना ना भाई जी पहले साथ में ही थी और घराणी ने ले दे के कल हमारे भैया ने 100 नंबर पे पुलिस को डायल किया और पुलिस से कहा कि यार एक ठंडी बियर लेके आओ। फिर पुलिस आई, पुलिस ने थोड़ी तोड़ाई की, भैया को थाने ले गई। भैया ने उन्हें समझाया देखिए भाई साहब पुलिस आर पब्लिक सर्वेंट। बाल बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं यार। बाल सफेद हो रहे हैं, तुमने वाइफ से कहा कि बाल सफेद हो रहे हैं क्या करें? बोली यू शुड डाई। तब से समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहती थी। अरे भैया तुम्हें कब से क्या नहीं कब्जी से मरेंगे साले। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। अरे कहना क्या चाहते हो? उस कहने के लिए तो एक समस्या है। अच्छा हमको सिखा रिया है। इसे इग्नोर मत। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पेट सफा हर रोग दफा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।